नमस्कार। आज एक लंबे टाइम बाद आपके प्यारे कर्नल धनवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज सर, एक तो बहुत मेल्स आ रही थी मेरे पास कि कर्नल धनवीर सिंह जी को आप क्यों नहीं ला रहे, तो कर्नल धनवीर सिंह जी दिख रहे थे, हर जगह दिख रहे थे, बिजी चल रहे थे। आप इनको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। सर दूसरी चीज ये कि एक आज से शुरू होके कल खत्म होने वाला एक नोटम लगा हुआ है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब 5400 किलोमीटर तक की रेंज दी है। इतने लंबी रेंज की हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। बोला यह जा रहा है कि या तो अग्नि हो सकती है या लैंड लॉन्च्ड अग्नि या सबमरीन लॉन्च्ड अग्नि हो सकती है। यह इंटरमीडिएट रेंज 5400 किलोमीटर, उससे 100 किलोमीटर आगे जाते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाता है। इस रेंज की टेस्टिंग का मतलब क्या है चाइना के लिए? चाइना का शिपा भी गया है इंडियन ओशन में, हमारे सामने बे ऑफ बंगाल के आसपास घूम रहा है। वो देखो, इसको मॉनिटर भी करेगा। इंडिया इस बार इंडिया शायद ना कैंसिल करे, इसे डरता नहीं है। पहली चीज सर इसका मतलब क्या है? और अगर हम तवांग का और बाकी जो हम लोगों की मारपिटाई के वीडियोज आए हैं, चाइना को कितना बुरा मारा, उसके बाद हमारा टेस्ट, इसको किस एंगल से देखते हैं आप? देखिए ये टेस्ट जो है अग्नि 5 का हमने पिछले साल 27 अक्टूबर को किया था और तब भी हमने इसकी असल रेंज डिक्लेयर नहीं करी थी, ना ही हमने असल रेंज पर टेस्ट किया था। और लेकिन एक इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल एक रिजीम है, नॉट रिजीम, एक इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सारी चीजों पर नजर रखती है, गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है, टेक्निकल डेटा अवेलेबल एवेलुएट करती है और किसी भी मुल्क की मिसाइल कैपेबिलिटीज, जिसका मिसाइल प्रोग्राम अलाइव हो, लाइव हो, फॉर एग्जांपल इंडिया, जैसे पाकिस्तान के पास भी मिसाइल है लेकिन पाकिस्तान के पास में स्पेस प्रोग्राम नहीं है, रॉकेट बेस्ड, वो टेक्नोलॉजी चाइना से और नॉर्थ कोरिया से लेके आता है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया की भी टेक्नोलॉजी चाइना की है और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी चाइनीज है, तो वो वहां से लेके आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की, अमेरिका की, फ्रांस की, यूके की, इंडिया की, जिनके अपने एक्टिव स्पेस प्रोग्राम है, तो आप मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी को मिला के देखते हैं। तो जब आपके पास GSLV और PSLV जैसे रॉकेट हो जो हाई पेलोड को इतनी ऊंचाई तक लेके जाने में सक्षम हो, तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं होता इस चीज को समझने के लिए कि आपकी मिसाइल की क्षमता कितनी होगी। चाहे आप कितना डिक्लेयर करें, क्या नोटम जारी करें, कितना जो भी करें, तो जो अग्नि 5 मिसाइल का जो साइज है और जो उसकी ट्रेजेक्टरी बनती है, जो उसका थ्रस्ट टू पावर रेशियो कैलकुलेट होता है इनिशियल ट्रेजेक्टरी में, जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी स्पीड री एंट्री पर होती है, ये सारी चीजें दुनिया मॉनिटर करती रहती है और इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये असल रेंज इसकी क्या होगी। तो पहले से ही इस इंटरनेशनल जो आपकी जो ये वॉच डॉग है, जो ये देखता रहता है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर रखता है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भारत की मिसाइल की जो रेंज है अग्नि 5 की, ये 5000 या उससे कम की नहीं है, ये तकरीबन 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला हथियार है। अब भारत भी जानकर उसको उस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम 10,000 किलोमीटर की मारक वाली मिसाइल को अनाउंस कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो इसका जो पूरा कैलकुलेशन है उसमें यूरोप को घबराहट हो जाएगी और यूरोप को एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया से महसूस होने लगेगा और वो भी एक दूरगामी सिक्योरिटी चैलेंज होगा। लेकिन हर एक मुल्क जो है सारे हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंज को कैलकुलेट करके चलता है, तो वो शायद इंडियन इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो जहां तक इस नोटेम का सवाल है और ये अगर ये अग्नि 5 मिसाइल ही टेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, कोई हो सकता है कोई और भी मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर यही मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं या जो बातें चलती हैं कि सूर्या मिसाइल को टेस्ट करने की बात हो रही है, वो भी बातें चलती हैं, तो ये भी पता लगेगा कि कौन सी मिसाइल टेस्ट करी है इन्होंने। लेकिन इसका बैकड्रॉप ये है और इंडिया के पास भी एक क्षमता है, और चाइनीज इसीलिए परेशान है क्योंकि अगर मिसाइल की क्षमता 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक की है तो पूरा का पूरा चाइना जो है उसकी रेंज में आ जाता है, और जब पूरा चाइना रेंज में आ जाता है तो चाहे आपकी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की हो, चाहे कोई सी पॉलिसी हो, वो कागज पे लिखी है, लेकिन अब हकीकत में जब जरूरत पड़ेगी और जब आपको एक्शन करना पड़ेगा तो शायद आप नो फर्स्ट यूज का इंतजार नहीं करेंगे। आप इंतजार नहीं करेंगे कि आपके ऊपर पहले 10 शहर आपके तबाह हो जाएं और फिर आप जवाब देके और दुश्मन का नुकसान पहुंचाएं। आपकी सैटेलाइट्स हवा में है, आपकी सैटेलाइट्स पल पल की खबर रख रही हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की खबर रख रही हैं, न्यूक्लियर प्रोबेबल मिसाइल साइट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा अंदेशा होगा कि अभी मिसाइल्स को तैयार किया जा रहा है, आर्म किया जा रहा है तो और लॉन्च के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है, तो कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, वो शांत नहीं बैठेगा और वो प्रीएम्प्ट स्ट्राइक कर देगा। और इसीलिए कभी भी कोई भी मुल्क इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि उसके सिग्नल बहुत गंभीर जाते हैं, और कभी भी रेडी टू फायर और डिप्लॉयमेंट वाली कहानियां बहुत ही रेयर आपको मिलेंगी, और ये बहुत ही बैटल ऑफ नर्व टाइप वाला सीन है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंग पे थी। तो बहरहाल ये उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और इसीलिए चाइना जो है बहुत घबराया हुआ है क्योंकि चाइना की जो एडवांटेज थी अभी तक वो अब डिसएडवांटेज में तब्दील हो गई है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं हो रही कि उनका जो स्पाई शिप है वो इंडियन ओशन रीजन में घूम रहा है, और क्योंकि हम भी अपना जो शिप है लेके और पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में और इधर उधर अपना लेके घूमते हैं। हमारे पास भी जो स्पाई शिप है वो बहुत उन्नत किस्म का है, और हमारा डिप्लॉयमेंट चाइना के मिसाइल्स को ही चेक करने के लिए रहता है। तो हम भी ये काम करते हैं, वो काम करेगा। कोई भी देश अपनी गार्ड को नीचे नहीं करेगा, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। राइट सर, एक चीज और कि जो हमारी एक वीडियो आया अभी हाल में, उस वीडियो पे बहुत डिस्कशन हो चुका है तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे आगे, बट इस चीज पर जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा कि ये वीडियो साफ बताता है कि चाइनीज सेना को हमारी वीर सेना ने कितना बढ़िया तरीके से मारा है, मतलब धो दिया एकदम, जैसे बोलते हैं सर्फ की धुलाई, वैसे धुलाई की। क्या चाइना जो प्रोपोगेट करता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, किसी को भी डिफीट कर सकती है, इससे पहले हमने नाथुला में धोया, इन्हें वियतनाम में धोया, फिर दोबारा अभी हम धोते हुए दिख रहे हैं। इनकी जो प्रोपोगेशन है, जो ये दिखाते हैं कि हम इतने बहादुर हैं और इतने स्ट्रॉन्ग है, वो तो सामने कलाई खुल चुकी है, इनके मिलिट्री हार्डवेयर की कलाई खुल चुकी है। तो इंटरनल डिके दिख रहा है आपको चाइनीज डिफेंस सेक्टर। देखिए, जो वीडियो का हवाला दे रहे हैं, डिबेट बहुत हुआ है, आप सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बेवकूफों वाला डिबेट हुआ है कि इसकी तारीख कौन सी है, ये पुराना है कि नया है। अरे भाई, गाल पे चांटा पड़ा है, जोर का पड़ा है, उंगलियां गाल पे छपी हैं, चाहे वो आज पड़ा था, आज से 4 दिन पहले पड़ा था, 1 महीना पहले पड़ा था, 1 साल पहले पड़ा था। सवाल ये है और मुद्दा ये है कि क्या करारा तमाचा पड़ा था और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के गाल पर जमा था। और ये नैरेटिव है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। कौन सी तारीख थी, कब हुआ था, कैसे हुआ था, मेरे हिसाब से उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उस चीज को उस डायरेक्शन में घुमाकर और ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ और कुछ और हुआ है जो हमें मालूम नहीं है। तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास में विफल है। बहरहाल, आपकी बात सही है कि कलई खुल गई है, और कलई पहले भी खुली है। देखिए, 1962 में भी जो हमारी हार हुई थी, शिकस्त हुई थी, वो शिकस्त सिपाही की वजह से नहीं हुई थी, जूनियर ऑफिसर्स और बटालियंस की वजह से नहीं हुई थी, वो शिकस्त हुई थी हमारे जर्नैलों की वजह से, वो शिकस्त हुई थी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से। वो टाइम था जब भारत के जर्नल भी पॉलिटिक्स खेल रहे थे और एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे, सब नेहरू जी की और मेनन जी की चापलूसी में लगे हुए थे और बहुत भीषण जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था आर्म्ड फोर्सेस में, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ऊपर के हलकों में दीमक लग गई थी। और ये जो हार हुई थी हमारी 1962 की, वो उस वजह से हुई थी कि पॉलिटिकल दखलंदाजी एक और जर्नलों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना। इनफैक्ट तभी के बाद इतनी सख्ताई हुई कि फौज जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, इस तरीके के बहुत सारे मेजर्स उठाए गए और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस भी फौज के अंदर दखल ना दे उसका भी एहतियात बरता गया। और आज भी लोग यही उम्मीद करते हैं कि फौजी जो है वो पॉलिटिकल बात ना करके और सीधी सीधी बात करें जो उनके शोबे से ताल्लुक रखती है। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही उनकी सोच है, सही मानना है, क्योंकि इसी तरीके की फौज हमको चाहिए। अगर पॉलिटिकल फौज हो जाएगी तो हमारा हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा और वो हम कतई नहीं चाहते। तो फिर बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या कलई खुल गई है, तो कलई जैसा मैंने बोला 62 में भी कई बार खुली, कई चशूल में कलई खुली, तवांग में कलई खुली, आपके कई जगह पर ये इस तरीके की कलई खुल चुकी है 1962 के अंदर भी। और उसके बाद नाथुला में कलई खुली, फिर आप इधर आ जाइए गलवान में कलई खुल गई, आपने कैलाश रेंजेस को रातों रात काबू में ले लिया और चीनियों को मजबूरन पैंगोंग से, हॉट स्प्रिंग से और गलवान से फौजें वापस हटानी पड़ी, तो वो वहाँ भी उनकी कलई खुल गई। और अभी ये जो वीडियो हैं, 2-3 अलग अलग किस्म के वीडियो हैं, सब में दिख रहा है कि फौजी जो है, भारतीय फौजी उनकी जम के पेल के पिलाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी कलई खुलती है। और कलई इनकी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वियतनाम में भी खुली है। और तो ये बात सही है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बेस्ड फौज है, ये किसी मुल्क की फौज नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। और ये बिल्कुल बताना जरूरी है कि जो भी फौज पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एजेंडा पे चलती है वो कभी लड़ती नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे भारतीय जर्नैल 1962 से पहले के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो। ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा, नरेटिव, इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और लड़ाई भिड़ाई में कम रखते हैं। इसीलिए आप हमेशा पाएंगे कि ये लोग पिटते हैं और पिटते रहेंगे। राइट सर, एक एनालिसिस जो और सामने आ रही है वो ये है कि ये जो फौज है चाइना की, वन चाइना पॉलिसी की वजह से एक ही बच्चा होता है और उस बच्चे की जिसपे शादी हुई वो भी इकलौती है, मतलब लड़की के 2 पेरेंट्स और लड़के के 2 पेरेंट्स, 4 बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं 2 लोग। उसमें से अगर एक आर्मी में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट होता है ऐसी लड़ाइयों से। और फौज में भी बाकी सब भी तो वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम के ही है, तो सब रिलेक्टेंट होते हैं। ये बताया जा रहा है कि फौज इसलिए जरा लड़ाई से दूर भाग रही है, एक आदमी मरा तो 4 बुजुर्गों की प्रॉब्लम, 4 बुजुर्गों को कौन देखेगा। ये माइंडसेट चाइनीज आर्मी का बन चुका है और इसीलिए चाइना ने कभी अपनी कैजुअलिटी पूरी नहीं बताई। 100 से ऊपर कैजुअलिटी बताई जाती है गलवान की, चाइना ने कैजुअलिटी पूरी नहीं बताई कि उसने एक रिवोल्ट का डर था कि आर्मी में रिजेंटमेंट दिखेगा। क्या ये बात भी सही है? हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये बात आई है तो लॉजिकल भी है कि भाई 4 के 2 हैं, 2 में से कोई एक चले जाएगा तो कितना भारी जिम्मेवारी हो जाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें लॉजिक लगता है। और मनोबल पर फर्क पड़ता है ऐसी चीज़ों का, आपकी लड़ने की क्षमता और लड़ने के इरादे पर इसका फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसा पक्का होगा। राइट सर, राइट सर। और सर फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर जो स्टेल्थ वगैरह बताते हैं, अभी पता लग रहा था हमारे एक ईस्टर्न सेक्टर में एक एक्सरसाइज भी होने जा रही है एयरफोर्स की, उनके वो लोग नजर रखेंगे हमारी एयरफोर्स पे, कितने डरे हुए हैं कि हमारी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज करेगी, हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल भी टेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं घबराहट नहीं दिख रही चाइना में? बिल्कुल घबराहट दिखेगी, क्योंकि चाइना का जो हार्डवेयर है, उनके जो जे F-20 हैं और जो इस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी स्टेल्थ बिल्कुल जगजाहिर है। हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ ने शायद साल दो साल पहले ये कहा था कि जब चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो वो जिस समय उड़ान भरते हैं और जब तक लैंड करते हैं तब तक वो बड़े आसानी से रडार पे पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर बड़े आसानी से नज़र रखी जा सकती है। तो कौन सा स्टेल्थ है और क्या है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक प्रोपेगेंडा ही है और उस प्रोपेगेंडा में वो असफल हो जाते हैं क्योंकि भारत के आँख, नाक और कान जो है हिमालय के ऊपर लगे हुए हैं, जो उनकी उनको बहुत बारीकी से देखती है। और ये जो जानकारी जो हम हासिल करते हैं ये पूरी दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं उनके पास जाती है और सबको पता है कि इनका हार्डवेयर, इनका इक्विपमेंट कितना बढ़िया है, कितना कैसा है। आप कवर कितना ही सुंदर बना लीजिए लेकिन उसके अंदर जो सामान है, जब तक वो कहे जाने वाले पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरेगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। कवर से कवर कितना ही सुंदर और कितना ही आलीशान क्यों ना हो लेकिन उसकी कैपेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी और वो दिख जाएगी क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के पास जब वो परवाज़ भरते हैं तो हम उनको पकड़ लेते हैं। अब हम परवाज़ें भरेंगे तो क्या वो पकड़ पाएंगे, क्या नहीं पकड़ पाएंगे, और ये दिलचस्प होगा। और पकड़ भी लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। और हम कब अपनी हरकत को दिखवाना चाहेंगे और कब छुपाना चाहेंगे ये भी एक अलग मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाइनीज़ बिल्कुल डरे हुए हैं, चाइनीज़ में बहुत बड़ी जिज्ञासा है क्योंकि चाइनीज़ जिस तरीके से भारत का बदला हुआ रुख देख रहे हैं, भारत के तेवर देख रहे हैं, वो उनकी समझ से परे है कि ये कैसे हो गया। मैं इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए आपको 2013 का वो वाकया याद दिला दूं जिसमें जब डेपसांग के अंदर चाइनीज़ फौजें मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर अंदर आ गई थी या उससे भी ज़्यादा, और 30-40 दिन यहाँ पर रहने के बाद में और फिर वो वापस चली गई। सलमान खुर्शीद से ये सवाल पूछा गया था, वो विदेश मंत्री थे, कि इस घुसपैठ को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये एक खूबसूरत महिला के गाल पे एक मुहासे की तरह है। ये वक्त आ जाता है और अपने आप समय के साथ वो चले जाता है। अब चाइनीज़ को ये परेशानी है कि ये जो खूबसूरत महिला है और इसका जो गाल है, अब इसके ऊपर मुहासा क्यों नहीं उग पा रहा है, और अगर मुहासा उगने के लिए कोई आता है या कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो ये दवाई लगा के उसका उपचार पहले ही कर लेते हैं, उगने नहीं देते हैं। तो ये परेशानी है और ये परेशानी उनको बहुत सताए जा रही है। मेरे ख्याल से अब चाहे वो कितना ही प्रयास कर लें, जमीनी स्थितियां बदली हो गई हैं, अब शायद उस खूबसूरत महिला के गाल पे मुहासा शायद अब दोबारा ना उगा पाए। राइट। कर्नल धनवीर सिंह, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, भारतीय सेना में सर्व कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर में सर्व कर चुके हैं। साथ में मतलब हमारे यहाँ के इंडिया के युवाओं में बड़े पॉपुलर हैं। मेरे को भी पिछले 5 साल से इनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं भी पिछले 5 साल से जानता हूँ इनको, बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।